सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपके पास भी अपाची का नेटबीन्स है तो उसमें आप वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि JSP का, जिसको कि पहले हम सर्वलेट से चलाते थे, तो कैसे उसके लिए जो प्लगइन है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हम भी इसमें एक वेब प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, अपाची नेटबीन्स को साथ ही साथ में स्टार्ट कर लिया है। प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक तो वे है कि आप टूल्स में जाके कर लें उसे एक्टिवेट। टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे प्लगइन्स आएगा, तो प्लगइन्स में हमारे पास होंगी अपडेट्स, अवेलेबल प्लगइन्स, डाउनलोडेड, इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे जब इंस्टॉल्ड में जाते हैं तो अभी तक यहाँ पे सिर्फ सर्विस रजिस्ट्री एंड HTML एंड हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन होता है जावा का, वही एक्टिवेटेड है। तो अगर आप वेब प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, एंटरप्राइज एडिशन है उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे एक्टिवेट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे कर दूँगा एक्टिवेट। तो अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माई नेटबीन्स में जाके भी क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट फीचर पर जा सकते हैं, तब भी हमें वही स्क्रीन पर वो ले जाएगा यहाँ पे हम पहले थे। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया जावा वेब एंड ई एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। तो ऐसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्लगइन है वो अभी जो जावा ई के लिए है या जावा जो वेब है उसके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया फिनिश, क्लोज, मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में। अभी आप देख सकते हैं अगर पहले चलाते तो यहाँ पे ग्रे साइन आता होगा, तो जैसे मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है कि नेक्स्ट करने पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे ही वेब एप्लीकेशन पे भी आ रहा था पहले कि इसके लिए अभी जो प्लगइन है उसे एक्टिवेट कीजिए। तो हमने वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर लिया है। ऐसे भी यहाँ पे भी क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते थे, जो तीसरा तरीका था, अगर आप टूल्स में जाके करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।